गाजीपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मरीजों के मिलने का क्रम लगातार बना हुआ है। कमोबेश हर दिन कोरोना संक्रमण के नए मरीज मिल रहे हैं। हालात ये हैं कि गाजीपुर में केवल पिछले 7 दिनों में ही कोरोना वायरस संक्रमण के 100 से अधिक नए मामले देखने को मिले हैं। मंगलवार को भी गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के कुल 17 नए मामले देखने को मिले हैं। जिले के अलग अलग जगहों पर ये मामले सामने आए हैं। आइए आपको विस्तार से इन सभी 17 मामलों की जानकारी देते हैं। ये भी बताते हैं कि गाजीपुर में ये नए मरीज कहाँ के रहने वाले हैं। एक मरीज सट्टी मस्जिद सदर गाजीपुर से मिले हैं। इसी तरह भवरी जंगीपुर सदर गाजीपुर से एक, अमहट कासिमाबाद से एक, बागी देवकली से एक और करंडा से 2 कोरोना मरीज मिले हैं। खिदिरपुर सदर गाजीपुर, भिखईपुर देवकली, बेमिरपुर देवकली और हाथीखाना सदर गाजीपुर के 1-1 मरीज मिले हैं। इसी तरह से कोरोना संक्रमण के 1 मरीज यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, 2 मोहम्मदाबाद, 1 मट्टी मोहल्ला मोहम्मदाबाद और 1 कालीनगर कॉलोनी सदर गाजीपुर के रहने वाले हैं। इनके अलावा 1 मरीज रेवतीपुर के और 1 घिथरी के रहने वाले हैं। इस हिसाब से देखें तो गाजीपुर में कुल 306 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से 171 ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद गाजीपुर में कुल एक्टिव केसेस 135 हो गए हैं। जिस तरह से जिले में मरीज मिल रहे हैं, लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। हमारी आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहने की कोशिश करें और बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ज़रूर करें। और गाजीपुर में कोरोना संबंधित हर जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।